नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, कौन है जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी भगवान कृष्ण का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? अगर ये प्रश्न आपसे कोई पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? जब किसी भी व्यक्ति के सामने बात पाप और पुण्य की आ जाए तो व्यक्ति पुण्य को करने से पीछे नहीं हटता। और ये बात भी सत्य है कि पाप करने से भी कोई व्यक्ति पीछे नहीं हटता। जहां लोग पुण्य करते हैं तो वहां वही लोग एक ऐसा पाप भी कर देते हैं जो उसके सभी पुण्य के फल को नष्ट कर देता है। यहां तक कि उस व्यक्ति के पापों की सजा उसे इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी सहनी पड़ती है। इस संसार में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं जो जिंदगी भर पाप ही करते हैं, तो वहीं कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो कि कभी पाप करने के विषय में सोचते तक नहीं और अच्छे कर्म ही करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पाप कौन सा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा महापाप किसी औरत की इज्जत से खेलना है। जो व्यक्ति किसी औरत की इज्जत से खेलता है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप करता है। विज्ञान के अनुसार नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। नारी को संसार में सबसे ज्यादा पूजनीय माना गया है। नारी का अपमान पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर देने के बराबर है। संसार में नारी हर रूप में अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, जिसे हम प्यार की भाषा में माँ कहते हैं। यही नारी पुरुष को हर रूप में दर्शन देती है, कभी माँ के रूप में तो कभी बहन के रूप में। इस संसार को नारी ही चलाती है। नारी को कष्ट देने वाला व्यक्ति करोड़ों पापों का भोगी बनता है। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो व्यक्ति नारी की इज्जत करता है उसे इस जन्म में और अगले जन्म में कई करोड़ पुण्य हासिल होते हैं। वहीं जो लोग नारी की इज्जत से खेलते हैं, उनके साथ गंदा काम करते हैं, तो वहां पूरी मानवता पाप की भागीदार हो जाती है और वो समाज भी उस कामी व्यक्ति के साथ कलंकित हो जाता है। इसलिए संसार का सबसे बड़ा पाप नारी का अपमान करना माना जाता है। इसलिए ऐसा करने से बचें और नारी की सदैव इज्जत करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।